कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में 24 घंटे काम जारी है। दिन के साथ साथ रात में भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। पटना नगर निगम भीड़ वाली जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। रात के वक्त भी पटना जंक्शन पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग 24 घंटे चालू है और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं पटना जंक्शन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दरअसल ये अभियान 24 घंटे चलना है, सिर्फ सुबह ही नहीं रात में भी सैनिटाइजेशन का काम पटना जंक्शन पर हो रहा है और पटना नगर निगम की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल आज की तारीख में अगर कोरोना से लड़ना है तो साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है, उसमें सैनिटाइजेशन का भी अपना अहम रोल है। जितने भी इम्पोर्टेंट जगह हैं, खासतौर से जो आने वाले जगह है जहां पर यात्रियों का आगमन होता है, जो इस राज्य से दूसरे राज्य से जो यात्री यहां पर पहुंचते हैं या फिर दूसरे राज्य जो जाते हैं यात्री, ये सबसे बड़ा प्लेस माना जाता है स्टेशन, और वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर एंटीजन टेस्ट हो या फिर सैनिटाइजेशन का काम हो, ये दोनों ही अहम पहलू है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है, तो ऐसे में सैनिटाइजेशन काफ़ी अहम पहलू है और इसकी काफ़ी आवश्यकता है। सिर्फ शहर ही नहीं, पटना जंक्शन, बस स्टैंड, सभी जगहों पर इस तरह का सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जो कोरोना से लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में इन चीज़ों का काफ़ी अहम रोल है। राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, राजी मीडिया, पटना। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच सरकार का पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर है। स्टेशन पर भी विशेष तौर पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। पटना जंक्शन पर रात में भी ANM कोरोना टेस्ट करती नजर आ रही है। हम पटना जंक्शन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और पटना जंक्शन पर जो भी यात्री पहुंच रहे हैं, जिन्हें इच्छा है वो अपना टेस्ट यहां पर करवा रहे हैं। यहां पहुंच रहे हैं जिन्हें आशंका लगती है कि हो सकता है वो कोविड पॉजिटिव हो, वो अपना टेस्ट करा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर सैंपल यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि पटना में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में टेस्टिंग एक बहुत ही बड़ा उपाय है। मैडम, कितने लोगों का टेस्ट हुआ? 12 लोगों का हुआ है। पॉजिटिव मिले या नहीं मिले? नहीं मिला है पॉजिटिव नहीं मिला है। अच्छा, तो अभी तक मैडम के पास जो लिस्ट है उन्होंने 12 लोगों की जांच की है और उसमें पॉजिटिव लोग नहीं मिले हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस जो माहौल का इंतज़ार था लोगों का कि लोग अपने वर्क को पहचाने, काम को पहचाने। आमतौर पर जो शिकायत आती थी कि जो भी जांच करने वाले जो स्टाफ हैं वो पटना जंक्शन पर नहीं दिखते हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो ठीक है और इस तरह की जांच होनी चाहिए क्योंकि सरकार का पूरा फोकस टेस्टिंग पर है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो वो, तब लोगों को पता चल पाएगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। और स्वाभाविक तौर पर पटना जंक्शन में बाहर से, दूसरे राज्यों से बहुत सारे लोग, यात्री आते हैं और उनकी जांच अगर बेहतर तरीके से हो तो ये बेहतर संकेत हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, राजी मीडिया, पटना।